हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है सैटरडे और ये देखो लव्या क्या कर रही है। गाइस, लव्या आज अपने बर्थडे का व्लॉग देख रही है, ये देखो। तो गाइस, आज लव्या का मन कर रहा था अपना बर्थडे व्लॉग देखने का और सुबह सुबह उठते ही बैठ गई व्लॉग चला के। तो आज सैटरडे है, इसकी कोई ऑनलाइन क्लास तो थी नहीं। मन कर रहा है क्या मेरे अपने सारे गिफ्ट निकाल लूं। अच्छा। और एक एक बार ट्राई करूं उन सबको। मेरा बहुत मन कर रहा था बर्थडे व्लॉग देखने का। मम्मी यार प्लीज एक बार निकाल ले तो ना बर्थडे गिफ्ट प्लीज। अच्छा, तो फ्रेंड्स अभी मैंने अपने तीनों बर्थडे व्लॉग्स कंप्लीट किए, बहुत मजे आ रहे थे। और फ्रेंड्स यार मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अपने सारे गिफ्ट को खोल के ना एक एक बार ट्राई करूँ। तो कुछ गिफ्ट तो तूने खोल ही रखे, बस तेरी कलर वाली किट है ना, और एक जो डॉम्स वाला स्टेशनरी था वही वाली किट पड़ी है, बाकी तो तूने सारे ओपन कर लिए हैं। अच्छा, कौन से रह गए बता? चलो यार चलते हैं, बता तो सही। इसके पास स्टेशनरी का बहुत सारा सामान है, कलर्स भी हैं, इसलिए ना मैंने इसकी स्टेशनरी किट और कलर किट उठा के बेड में डाल दिए, नहीं तो ये सारी चीजें वेस्ट कर दी है। और अब लव्या जिद कर रही है कि मुझे वो निकाल के दो। चलो निकालते हैं। मैंने बेड के अंदर इसकी बैग भी डाल दिए थे, जो इसको बैग मिले थे, ये रहा एक बैग, यूनिकॉर्न बैग था। लगा दे। ये देखो गाइस, मैंने बेड के अंदर ही बैग भी डाल दिए थे इसके, और ये रहा एक ये बैग था, और ये है एक क्ले, ये भी, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि कहीं जाएंगे जब घूमने तो तू अपना ये वाला बैग, ये रहा इसका टियारा भी रख दिया था, और ये इसका जो बैग मिला था इसको, मैंने कहा कहीं घूमने जाएंगे तो तू ये यूज़ कर लियो, अभी घर पे तो क्या करना है यूज़ करके। ये इसका टैग था हैप्पी बर्थडे का, और ये इसका बैग था यूनिकॉर्न का जो इसको बैग मिला था, ये क्ले थी गाइस, इसके पास क्ले भी अभी पड़ी हुई है। मैंने एक क्ले अनबॉक्स भी कर ली थी, मैंने एक रख तो बेटा, अभी आपके पास क्ले भी पड़ी हुई है। ये इसका बैग था, अभी कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए मैंने इसको गाइस बेड में डाल के रख दिया था कि जब कहीं जाना होगा तो तू इसको यूज़ कर लियो। चलो मैं इसको पहन लेती हूँ। ये देखो हमारा बटन ख़राब हो गया, इस बटन को मारना पड़ता है बार बार, तब ये लाइटें चलती हैं, बटन में कोई दिक्कत आ गई है। आज लव्या को बहुत याद आ रही थी अपने बर्थडे गिफ्ट की, कि मुझे सारे गिफ्ट दोबारा से दिखाओ। ये रे मैंने छुपा रखे बेटा। तो फिर वेस्ट करती है ना, सारी चीज इकट्ठी निकाल लेती है। यहाँ पर लव्या ने अपने गिफ्ट का पिटारा निकाल लिया है वापस, ये कह रही है मैं थोड़ी देर इनके साथ खेलूंगी और फिर वापस रख देगी। ठीक है लव्या, जब हम कहीं जाएंगे पिकनिक पे या कहीं वैसे ही घूमने फिर तो उठा लियो। मैंने अपने सारे गिफ्ट निकाल लिए। चलो इंजॉय कर लो थोड़ी देर। मैं ना अभी कलरिंग करूंगी अपने न्यू कलर से। कलर बेटा आपके पास बहुत सारे पड़े हैं ना, कलर्स पड़े हैं ना। हाँ। तो न्यू कलर अभी क्यों यूज करने हैं? लवे एक काम कर, इस पे कलरिंग कर ले। गाइस ये उस दिन भी कलर करने लगी थी, ये रह गया था, ये रहा मेरी अप्सरा वाली किट में से निकला था, और फ्रेंड्स मैंने इसकी छत तो कलर कर दी थी। छत पे तो कलर हो चुका है ये, इसकी चिमनी है, चिमनी इस पे तो कलर हो चुका था। अब ये घर है, ये वाला है। हाँ, हाँ, ये हाँ, मेन हाँ। होम है, ये मेन होम है, अभी इसमें कलर करना बाकी है। तो आज सैटरडे है तो लव्या की कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है, तो आज लव्या इस पूरे घर पे कलर करेगी। ठीक है लव्या, कलर करके दिखाना कैसा बनाया आपने। मैं इसको ये रेनबो में कलर करूंगी, ये रेनबो में। हाँ रेनबो में कर लेना पहले। ठीक है लव्या अपनी ड्राइंग कर रही है उसी टाइम से। ये बहुत देर से बैठी है, ये देखो एक घंटे से मम्मी और मैं लगे हुए हैं। हाँ मैं भी इसकी हेल्प करा रही हूँ क्योंकि अकेले नहीं कर पा रही। पहले तो मैंने थोड़ी देर करी, फिर मैं थक गई, फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी यार करा दो। अभी ये देखो ये पीछे अभी ये सारा ही रहता है, फिर ये जब पूरा प्रिपेयर होएगा ना गाइस तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। ये कितना सुंदर लग रहा है, ये हमने पूरा कंप्लीट किया। हाँ ये पूरा कंप्लीट हो गया गाइस, तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। कंप्लीट नहीं हुआ है मम्मा। हाँ मतलब बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद अभी ये साइड रहती है, अभी ये एंट्रेंस घर की एंट्रेंस रहती है, ऊपर का हो चुका है, यहाँ का भी हो चुका है ऊपर का। हाँ यहाँ का भी ऊपर का हो चुका है गाइस। हम बहुत देर से बैठे, पहले लव्या अकेली कर रही थी, फिर लव्या ने कहा मम्मा मेरी हेल्प कराओ मैं थक जाऊंगी, लेकिन ये बनने के बाद बहुत प्यारा लगने वाला है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये इसकी किट में से निकला था, ये देखो गाइस इसने ये जो सुबह निकाला है सारे कलर्स और दोनों किट, सारा बेड भर के रख दिया है।
और यहाँ नमन अपना गेम में लगा हुआ है। तो अभी कम से कम एक घंटा लगे और लगने वाला है, और ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है, क्या करना है, बाद में करें? नहीं, हाँ आज करके रहेगी आज। अब ये वाले कलर्स भी आ गया, इनमें से भी ले सकते हैं। ये सारे अपने न्यू कलर्स खोल के बैठ गए, ये वाले भी। अभी फिलहाल इसके पास पहले भी बहुत सारे कलर्स पड़े हैं, मैंने इसको कहा कि एक बार बस ये हाउस में कलर करके फिर इसको अभी रख दियो, ठीक है ना, क्योंकि अभी तेरे पास बहुत सारे कलर्स पड़े हैं। और वन पेज हमारा कंप्लीट हो गया, अब दूसरा पेज कर रहे हैं। मम्मी को भी लगा रखा है साथ में गाइस इसने। हां तो क्या मम्मी हेल्प नहीं करा सकती? मम्मी इसकी पूरी हेल्प करा रही है। मैं बी में कर रही हूं। आखिरकार 2 घंटे की मेहनत के बाद लव्या का हाउस बन चुका है पूरा का पूरा। ये देखो मम्मी और लव्या ने इसके ऊपर पूरा वर्क करा है। ये देखो पापा ने भी करा, मैंने कुछ नहीं करा। पापा ने तो उस दिन छत पे करवाया। पापा ने पता क्या किया था? पापा ने ये वाला किया, हाँ। मैंने ये वाला किया, और अच्छा। ये वाला पूरा मम्मी और मैंने ही है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको, दिखाती हूँ अच्छे से। अच्छा मम्मी बोलेंगे इसको कि शोपीस में रखना है। ये देखो वाओ बहुत अच्छा लग रहा है। ये घर का मेन डोर है, जिसमें रेनबो बना हुआ है। ये रेनबो है जो कि मैंने कलर किया है। बढ़िया लग रहा है ना? और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत देर लग गई, मैं थक गई, लव्या भी थक गई है। अब लव्या का ट्यूशन का टाइम हो चुका है। शाम के बज रहे हैं 5:30, और अभी हम ट्यूशन से आए हैं, और नीचे आए हुए थे छल्ली वाले भैया, तो अभी हमने ले लिया छल्ली। गाइस ये मोस्टली रेत की बुनी हुई बोलते हैं छल्ली है। रेत की बुनी हुई छल्ली ये शायद दिल्ली में मिलती है, मेरे को लगता है हरियाणा या और कहीं नहीं मिलती है। रेत की बुनी हुई होती है शायद से, है रेत में बुनते हैं इस छल्ली को। अच्छा स्पेशलिटी है ये इसकी कि ये रेत में बुनी हुई होती है। कैसा टेस्ट? बढ़िया शनिवार आज, तो मम्मी सोच रही है कि शनिवार है तो हम जाते हैं शनिदेव के मंदिर। पापा ने बोल दिया हाँ कि हम चल रहे हैं शनिदेव के मंदिर, तो चलते हैं, बहुत मजा आने वाला। तो गाइस अभी हम मंदिर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जो हम पानी की पीने की बोतल आए थे वो अंदर रख रहे मम्मी, तो पापा रख रहे हैं। तो ये है शनिदेव का मंदिर, तो अभी हम फिर दर्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी हम शनि मंदिर से वापस आ चुके हैं, और आते ही मैं तो बाहर ही बैठ गई हूँ थक गए। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। तो